जगह जगह कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, बिहार से भी लोग पहुंच रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि आजम खान भी वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच सकते हैं। जी रितेश, मुलायम सिंह यादव ने राजनीति सफर एक बहुत लंबा तय किया है, अब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, तो कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी में क्या कुछ अब बदलेगा? ये तो बहुत, अब तो एक संरक्षक जो मुखिया थे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, अब इस समय उनका हाथ संरक्षक के पद से हट गया है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन काल में समाजवादी पार्टी को बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाया है, बहुत मेहनत करके उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव उसको संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़ा नाम था, उनको धरती पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जो निधन हुआ वो बहुत ही दुखद निधन है। मैं आपको बता दूं कि इनकी राजनीतिक जो सफर है मुलायम सिंह यादव का, वो जड़ें इनकी गांव से जुड़ी हुई हैं। 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई में मुलायम सिंह ने जन्म लिया। मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक सफर मुलायम सिंह यादव का इटावा से ग्रेजुएशन किया, वहां से शुरू हुआ राजनीतिक शास्त्र में, इन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी की थी। मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव ने इस समाजवादी पार्टी की जो नींव डाली थी वो 4 अक्टूबर 1992 को ये इसकी स्थापना की गई थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तब उन्होंने साइकिल बनाया था। पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को 2016 में समाजवादी पार्टी का संरक्षक भी घोषित किया था। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। मुलायम सिंह की अगर राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो 1960 में मुलायम सिंह राजनीति में उतरे थे और 1967 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे और एमएलए बने थे, और आगे 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल में भी रहे थे। 1979 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब बता दें कि 1985 से 1987 में जनता दल के अध्यक्ष पद भी संभाला था और 1980 में लोक दल का अध्यक्ष पद भी संभाला। बता दें 1977 में उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की और विपक्ष के नेता बने। 1993 से 95 तक उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 11वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए थे। 12वीं और 13वीं लोकसभा में सांसद बनाए गए थे। बता दें 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए 6वीं बार सांसद चुने गए थे और 2009 में 15वां लोकसभा के लिए 5वीं बार सांसद बनाए गए थे। वहीं 2007 में यूपी में बसपा में करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। वहीं 2003 और 2007 से तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। को बताते हैं कि धरती पुत्र के नाम से क्यों जाने जाते हैं मुलायम सिंह यादव। विदेशी नागरिकता के जिस मुद्दे को उठाकर मुलायम सिंह अर्थात नेताजी ने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की राह में रोड़ा खड़ा किया, उन्हीं सोनिया के नेतृत्व वाली कांग्रेस को न्यूक्लियर डील पर समर्थन देकर उनकी सरकार भी बचाई, यही कारण था कि जिसके कारण लोगों ने उन्हें नेताजी या धरती पुत्र के नाम से जाना। बता दें यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। अगर हम मुलायम सिंह यादव के संघर्ष की बात करें तो वो 11वीं लोकसभा चुनाव के बाद 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, मुलायम रक्षा मंत्री बने, बाद में मुलायम को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी चली थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वे सबसे आगे भी थे, लेकिन कुछ लोगों के विरोध की वजह से उनके नाम पर मुहर नहीं लग पाई थी, जिसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम संभल और कन्नौज से जीते। बाद में कन्नौज सीट पर बेटे अखिलेश यादव को सांसद बनाया। नाम मुलायम सिंह यादव, जिंदगी और सियासत का मूल मंत्र संघर्ष।
सियासी सफर में कई ऐसे पड़ाव आए जब वे समझौता कर सफलता के नए रास्ते तलाश करते थे। खलनायक का तमगा पाने की जगह नायक की भूमिका चुन सकते थे, मगर रास्ता चुना तो संघर्ष का। कई ऐसी घटनाएं हैं, फैसले हैं, जिनके जिक्र के बिना ना तो मुलायम को समझा जा सकता है और ना ही देश प्रदेश में हुए सियासी बदलाव और ना ही कांग्रेस के पतन व भाजपा के उभार को। एक नहीं अनेक ऐसे प्रसंग हैं और उनकी दृढ़ता और सूझपन है और प्रमाण है। बात 1990 के दशक की है। विश्व हिंदू परिषद के श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के खिलाफ प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सैफई से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।